गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ निधि और आज के इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक क्विक सी लंच रेसिपी, जिसमें मैं बनाने वाली हूँ आज कढ़ी चावल। और कढ़ी चावल वैसे जब बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा तामझाम फैल जाता है, लेकिन इसे क्विकली हम कैसे बना सकते हैं विद इन हाफ एन आवर, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और साथ ही साथ एक छोटी सी टाइम किलिंग एक्टिविटी जो कि बहुत दिनों से पेंडिंग है। मेरे पास ये छोटी छोटी सी बॉटल्स पड़ी हुई थी, इन पे मैं थोड़ी सी पेंटिंग करने वाली हूँ और इनमें मैं प्लेस करने वाली हूँ मनी प्लांट, जो कि मेरा ही नहीं बहुत से लोगों का फेवरेट होगा घर में, तो वो मैं प्लेस करने वाली हूँ। और मनी प्लांट भी पहले मुझे देखना पड़ेगा कहीं से, घर पर लगा हुआ है लेकिन मैं उसे तोड़ना नहीं चाह रही हूँ या अगर बाहर नहीं मिला तो घर से ही जो तो लगा हुआ है उसी को तोड़ लेंगे। तो उसमें मैं ये रखने वाली हूँ। इसका मैं एक बहुत ही अच्छा सा DIY प्लांटर हैंगर बोलेंगे उसे, क्या बोलेंगे, वो मैं बनाने वाली हूँ। और उसकी भी रेसिपी नहीं, उसकी भी कैसे मैं उसको बनाऊँगी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए अभी पहले हम बना लेते हैं लंच, उसके बाद हम बनाएंगे ये प्लांटर और फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, हो सकता है फिर से मेरे डेली व्लॉग्स आने शुरू हो जाए। तो ठीक है, जो कढ़ी चावल हम बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले जो चावल हमें रिक्वायर्ड होंगे उनको हम अच्छे से धो के पकने के लिए रख देंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना कढ़ी बनाना। तो इनको मैंने पहले थोड़ी देर के लिए भिगो के रखा हुआ था, अभी मैं इनको पकने के लिए रख दूँगी। बनाने के लिए जो जो हमें चाहिए होगा वो है कि सबसे पहले दही हमें चाहिए होगी, दही या मट्ठा जो भी कुछ आपके पास अवेलेबल है तो वो चाहिए होगा। ये मसाले चाहिए होंगे और ये मसाले जो है वो सब कुछ मिक्स हो चुका है, मसालेदार नहीं एकदम तिरछी हो गई थी, गिरने वाली थी, तो सब कुछ इसमें मिक्स हो चुका है। कोई बात नहीं, वैसे भी सब कुछ मिक्स ही होता है, तो जितना हो सकेगा अलग अलग करके हम इसमें डाल देंगे। ये जार चाहिए होगा और हमें चाहिए होगा 3 से 4 चम्मच बेसन फोर कढ़ी के बैटर के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें 3 चम्मच बेसन डालेंगे, 3 या 4 चम्मच डाल लेते हैं, आई थिंक 3 चम्मच भी काफ़ी होगा, चलो 3.5 डाल लेते हैं। 3.5 चम्मच बेसन और ये जो करीब 1/2 किलो से तो कम दही रखी हुई थी मेरे पास वो मैंने ली है, इसको भी अच्छे से साफ करके इसमें डालूंगी। और इसमें चाहिए होगा पानी, लेकिन पानी डालने से पहले हम इसमें नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे और ये नमक का कलर भी चेंज हो चुका है क्योंकि इसमें जा चुकी है हल्दी और हल्दी इसमें डालेंगे हम 2 से 3 छोटे चम्मच, छोटे चम्मच ये इतनी छोटी चम्मच मैं यूज़ कर रही हूँ, दिल के अंदाज़ा लगा के डाल देना। 1 चम्मच धनिया मैंने डाला है और मिर्च स्वाद अनुसार जितने भी आप खाते हो उतना डाल देना है। और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी हम डालेंगे लेकिन वो हम डालेंगे बाद में, तो अभी इसमें पानी हमें ऐड करना है, तो पानी हम ऐड करेंगे। इतना पानी हम ऐड करेंगे, करीब 250 ml इसमें पानी मैंने ऐड किया है। तो अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इससे पहले मैंने चावल ऑलरेडी गैस पे रख दिए हैं और ये सब हो रहा है विद इन 5 मिनट्स, तो अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो इसको मैंने 1-2 बार ग्राइंड कर लिया है और ये मिक्स हो चुका है अभी। कलर भी आई थिंक ठीक हो गया, पकने के बाद हम थोड़ा देखते हैं, वैसे हल्दी काफ़ी रहेगी इसमें। तो अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे, तब तक हम अपने जो प्याज तड़के के लिए हमें चाहिए वो हम कट कर लेते हैं। लेकिन प्याज से पहले हमें जो पकोड़े का बेसन रेडी करना है, बैटर रेडी करना सॉरी, वो भी हम रेडी कर लेते हैं। ये भी एक क्विक सी रेसिपी है, इसमें मैंने लिया है 4 चम्मच बेसन, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी हल्दी,
थोड़ी सी मिर्च, और पकोड़े को एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसमें डालने वाले हैं पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। तो ये है बेकिंग सोडा हमारे पास। मैंने बोला था पिंच, पिंच का मतलब सिर्फ एक पिंच ही डालना है, बहुत ज़्यादा डालोगे तो ये पकोड़े एक्स्ट्रा फूल जाएंगे, शेप अच्छी नहीं आएगी। और अभी हम इसमें डालेंगे रिक्वायर्ड वाटर, और फिर एक बार इसको हम घुमा देंगे, और फिर हमारा ये बैटर भी रेडी हो जाएगा। इसको भी हमें थोड़ा सा रेस्ट देना है, ज़्यादा पानी नहीं। मैं इसको भी मिक्स कर लेती हूँ। तो इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसकी कंसिस्टेंसी है एकदम परफेक्ट, ऐसे ही होनी चाहिए। तो अभी हम इसको ढक के रख देंगे, थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे, तब तक हम अपने जो प्याज है वो कट कर लेते हैं। प्याज भी मैंने कट कर लिया है तड़के के लिए। ये मेथी सीड्स हैं, ये मैं यूज़ करने वाली हूँ। साबुत लाल मिर्च ली है मैंने 3। तो अभी फटाक से हम इसमें तड़का लगा देते हैं, और फिर हम कढ़ी को पकने देंगे। हमारे चावल भी रेडी हो जाएंगे। पकाने से पहले ये कढ़ाई में थोड़ा तेल गरम करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमें पकोड़े तल लेने हैं, क्योंकि बाद में फिर अलग से कढ़ाई यूज़ करनी पड़ेगी हमें। तो जैसे ये गरम होगा वैसे ही हम अपने ये जो पकोड़े का बैटर है इससे हम अपने पकोड़े तलने शुरू करेंगे। तो अभी तो ये तेल अच्छे से गरम नहीं हुआ है, मैंने हाथ लगा के नहीं देखा है, जस्ट महसूस किया कि गर्म हुए या नहीं। कभी आप लोग हाथ ही डाल दो, वैसे इतना तो बेवकूफ़ कोई भी नहीं होगा कि तेल में हाथ डाल के अपना ही हाथ चलवा ले। ये तेल हो चुका है हमारा अच्छे से रेडी, अभी हम इसमें डाल लेंगे पकौड़े। आप चाहे तो स्पून से भी डाल सकते हो, नहीं तो आप हाथ से भी डाल सकते हो। हाथ से अगर डालोगे तो शेप एकदम अच्छी आएगी, गोल भी आ सकती है। नॉर्मली गोल खाते नहीं हैं, लेकिन ट्राई कर सकते हैं। मूंछ वाला पकौड़ा बन गया, कुछ जगहों पे कड़ी में तड़का बाद में लगाते हैं पकाने के बाद, लेकिन हमारे यूपी में ऐसे ही बनती आई है और ऐसे ही हमको आती है, तो ऐसे ही मैं शेयर कर रही हूँ रेसिपी। तो इसे तड़का लगाने के बाद हमें कंटिन्यूस चलाना रहता है, इससे कि ये फटे ना और मेरे घर खराब हो जाए। और एक उबाल आने तक हमें इसको लगातार चलाते रहना है, नहीं तो कढ़ी जो है वो हमारी फट जाएगी और फिर ख़राब हो जाएगी। तो इसको हमें चलाते हुए पकाना है, और फिर उसके बाद जब ये एक बार इसमें उबाल आ जाएगा उसके बाद हमें इसको ढक के पकते रहने देना है, करीब 25-30 मिनट लगातार पकाना है, बिल्कुल कम आँच पर, और फिर ये खाने लायक हो जाएगी। और जब एक उबाल आ जाएगा इसमें तब हम जो पकोड़े हमने बनाए थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। कढ़ी में एक उबाल आ चुका है लगातार चलाते चलाते, अभी हम इसमें पकोड़े भी डाल देंगे। डाल दिया मैंने इसमें पकौड़े, अभी हम इसको ढक के
करीब 20 मिनट तो मिनिमम हमें इसको पकाना ही है, और लास्ट में अगर कढ़ी में, आई थिंक मैंने कढ़ी की रेसिपी पहले भी शेयर की है, तो कढ़ी में अगर आपको कढ़ी खाने के बाद कुछ एलर्जी सिम्टम्स आते हैं तो इसमें काली मिर्च और लौंग, एक लौंग और 4-5 काली मिर्च पीस के डाल लीजिएगा, तो वो साइनस वाले सिम्टम्स नहीं आएंगे। तो अभी हम इसको आराम से पकने देंगे, गैस एकदम लो है। बॉटल्स अभी कढ़ी पक रही है ऐसे, तो जो बॉटल्स की मैं बात कर रही थी उसके लिए मेरे पास ये एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसको मैंने अच्छे से साफ कर लिया है, ये कहीं से मिला था मुझे, और इनको पेंट करने के बाद, अच्छे से पेंट करने के बाद मैं इनको ऐसे रख के, आई थिंक इन पर पेंट कुछ और कर देना चाहिए था मुझे पर कोई बात नहीं। इसमें चारों तरफ एक 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 हॉल करके, उसके बाद इसको इसमें यहाँ पे जो जूट रोप होती है या फिर कोई भी रोप जो भी अवेलेबल होगी, वैसे मेरे पास जूट रोप अवेलेबल है, वो इसमें डाल के हैंग कर दें। तो शायद आज तो नहीं हो पाएगा ये, वैसे थोड़ी देर का काम है, पेंट ऑलमोस्ट ये तो हो ही चुका है, सूख भी चुका है ये अच्छे से, तो अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कभी जब ये रेडी हो जाएगा तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये कैसा लग रहा है, क्योंकि अभी इनके लिए प्लांट्स भी अरेंज करने हैं, वो भी देखना है। तो बस थोड़ा सा लोग बनाने की कोशिश करी है, मैंने एक क्विक सा लंच आइडिया आपको दिया है, इसमें जो मैंने ये प्लांटर जो मैं बना रही हूँ, हैंगिंग प्लांटर मैंने इसको नाम दिया है, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलेंगे, तो इसको जैसे भी मैं बनाऊंगी उसका भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूंगी इसको पेंट करते हुए भी, और कैसे मैंने इसको हैंग किया है या जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, कमेंट भी कर देना प्लीज़, तो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आई थिंक आई एम रिपीटिंग दिस लाइन अगेन एंड अगेन, पता नहीं तो अभी डेली व्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे क्योंकि उतना टाइम नहीं होता था, और अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं छोटा सा व्लॉग डेली बनाने की कोशिश करूँगी, एटलीस्ट एक लंच आइडिया तो आपके साथ शेयर मैं करूँगी ये ज़रूर, और पक्का नहीं है ये हो सकता है नहीं भी हो सकता है हो भी जाए, तो ठीक है कोशिश करते हैं डेली व्लॉगिंग की। डेली व्लॉगिंग में क्या ही दिखाना होता है, मतलब कुछ होता ही नहीं है, ऐसे सो के उठो काम करो और फिर ऑफिस का काम करो घर का काम करो और फिर सो जाओ, पूरे दिन कितना भी सो लो नाइट शिफ्ट में नींद पूरी नहीं होती है, और कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, तो इस वजह से ना कभी मन हो पाता है और ना फिर इतनी एनर्जी भी नहीं बचती है जिससे कि व्लॉग में अच्छा सा फेस लेके आया जा सके। अभी थोड़ी सी एनर्जी आई है मेरे अंदर क्योंकि अभी मेरे काम से थोड़ी सी छुट्टी मिली है मुझे, मे बी 10 या 15 दिन का गैप होगा, तो 10-15 दिन में मैं फिर से अपनी डेली व्लॉगिंग वाली हैबिट फिर से रीजनरेट करूँगी, तो अच्छे अच्छे से व्लॉग मैं लेके आऊँगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो बेल आइकन ज़रूर दबा देना जिससे कि जो मैं वीडियो डालूँ वो आप तक टाइम से पहुँच जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, चाहे कोई भी सिचुएशन हो उसमें पॉजिटिव रहिए और दूसरों को भी पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कोई अपनी लाइफ में किस दौर से गुजर रहा है, तो हमेशा जब आप खुश रहोगे तो दूसरों को भी देख के आपको अच्छा लगेगा। तो ठीक है, आज के ब्लॉग में बहुत ज्ञान पे लिया मैंने, तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।